वाले हैं, यहाँ ये चोरी की जो वारदात है ये सामने आती रहती है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी अभी चोरी हुई है, चोरों का पूरा वो है। यहाँ रोहतक रोड से भी ईंट उठी हैं, हमारे प्लाट से 5,000 ईंटे मैंने वहाँ तरवा रखी थी, 5,000। कई बचोर हैं ये कीमती सामान अपनी दीवार पार ले जाते हैं, स्लीपरों की और सरिया कहीं पड़े होते हैं, ये रात को करते हैं चोरी की वारदात। ईंटों की दशकात कहीं से उठ ली, थाने रोड से उठी, हमारे प्लाट से, मेरे से, रोहतक रोड से ईंटों का। ये एक चोर है, एक पूरा गैंग है इनका, जो ये चोरी की वारदात रात को करते हैं। अजब चोरी की गजब कहानी। जिला सोनीपत के उपमंडल खरखोदा में बीती रात्रि दिल्ली रोड पर नेक्स्टा सिटी के पास खाली प्लाट में चोर रात को प्लाट की चार दीवारी का कुछ हिस्सा, 10,000 ईंटे व कीमती पौधे चोरी कर अपने साथ ले गए। अजब चोरी की गजब कहानी, चार दीवारी को ही अपने साथ ले गए चोर। प्लाट मालिक जयकरण रोहना ने पुलिस को शिकायत दी कि कल रात को कुछ व्यक्ति जिनको वह जानता है ने उसके प्लाट की चार दीवारी का कुछ हिस्सा, 10,000 ईंटे व कीमती पौधे चोरी कर लिए हैं। पुलिस के द्वारा जयकरण की शिकायत पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई गई। शिकायतकर्ता जयकरण रोहना ने मीडिया से बताया कि उसे इस घटना की सूचना फोन से मिली, वह जब मौके पर आया तो उसने तुरंत इसकी सूचना 112 पर पुलिस को दी। आइए बात करते हैं जयकरण रोहना से, इस बारे में उनका क्या कहना है। दोस्तों, खरखोदा के दिल्ली रोड पर अजब चोरी का एक गजब मामला प्रकाश में आया है। हमारे साथ ये जयकरण ठेकेदार हैं, इनकी चार दीवारी, जी हाँ मैं कहूँगा वॉल टाइल्स जो होती हैं, उनको चोरी कर लिया गया है। अजब तरीके की वारदात है ये। ठेकेदार साहब, कब की ये वारदात है और कब ये चोरी हुई? ये कल की बात है। हमने जैसे ही मेरा गांव रोहना है, जयकर मेरा नाम है और हाल में हम सोनीपत रहते हैं। हमारे पास एक फ़ोन किया, ये जो कॉल लगाते हैं रसवाड़ा, इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया के जी आपकी ना दीवार पाट रखी है और कुछ आदमी यहाँ 10-12 आदमी खड़े हैं और ईंट वगैरह सभी उठा लेंगे। तो हम मौके पर आए, वहाँ पहुँचे तो वहाँ हमारे को ना दीवार मिली ना ईंटें मिली। तो हमने झगड़ा करने की बजाय हमने 112 नंबर पर कॉल की। 112 पर कॉल करने के तुरंत बाद पुलिस ने मौके पर आए, 5 मिनट में ही पुलिस आ गई। जैसे ही पुलिस आई तो भाग गई। पुलिस का हम बड़ा मतलब तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं कि पुलिस मौके पर पहुंची तुरंत प्रभाव से, और पुलिस ने मौका देख कर सारा उनके पास कॉल किया और मौके का जायज़ा लिया। पुलिस आने से हमारा जो झगड़ा होने की संभावना थी वहाँ खून खराबा हो जाता, तो वो पुलिस का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो क्या आपने चोरों को देखा, कौन लोग थे? हाँ, चोर देखा जी, एक तो राज था और उनके दो लड़के थे और जो 8-10 और बंदे थे उनको मैं जानता नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर व हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।